करो, पर सोना ही नहीं खत्म होता तुम लोगों का। अब देर होगी, रोज बस मिस होती तुम्हारी। दफाओ ग्वास खाना। अम्मा भाई को बोलो ना हमने छोड़ा है। जा रहा है तू? जा रहा है ना, तो वो इनको जरा कॉलेज तक छोड़ दे, वो उनकी बस फिर निकल गई आज। अम्मी जी, सेठ साहब ने मुझे गाड़ी अपने कामों के लिए दी है, ये फालतू सामान कॉलेज छोड़ने के लिए नहीं दी। और वैसे भी 12 बजे मुझे बैंक पहुंचना है। अल्लाह भाई प्लीज ले जाओ ना, सारी सहेलियां मिल रही हैं, आखिरी बार फिर पेपर हो जाएगा, फिर तो कैसे मिलेंगे हम। बाकियों का तो मुझे नहीं पता फरी, लेकिन आज तुम्हारा और इसका मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। फेल भी होगी और इसी क्लास में भी पढ़ती रहोगी। जानता हूँ तुम्हारी दोस्तें और उनकी नालायकियाँ। देख रही हैं आप खाला कैसे इतरा रहा है उधार की गाड़ी पर, जैसे इसकी अपनी हो। जी अपनी भी होगी, बैठने की इजाजत मैंने तब भी नहीं देनी तुम्हें। तौबा भाई छोड़ो ना प्लीज, सारी सहेलियाँ गाड़ी में देखेंगी कितना इम्प्रेशन पड़ेगा। प्लीज भाई। देखा मेरी जानबूझ के इन्होंने बस मिस किया ताकि इस रोबदार गाड़ी में जा सकें और अपनी दोस्तों को रोब दिखा सकें। लेके मैं फिर भी नहीं जाऊंगा। चुप कर, जो मैंने कहा है ना तुझे वो करना है, लेके जा इनको, छोड़ के। अम्मी जी। हाँ बस कह दिया मैंने, चलो। हाँ तो हम तो तैयार है, बस बैग लेके आए। चल अच्छा किया तुमने, बल्कि जा रहा है ना तो मुझे भी साथ ले जा, सुकना खाला के घर छोड़ देना। बड़े दिन से मैंने खबर ही नहीं ली उसकी, और वैसे भी उसके बेटे ने ली थी मोटरसाइकिल, बड़ी शोर मार रही थी। जरा मैं भी गाड़ी में जाऊँ ना, कितना अच्छा लगेगा है ना। है मैं चादर लेके आई। ए फरी मेरी चादर कहाँ है काली वाली? जाओ जल्दी जाके देकर आओ, वरना लेके नहीं जाऊंगा मैं। आई अम्मा।